तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आ चुका हूँ ब्रांड न्यू वीडियो लेकर के। और इतने दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि थोड़ा सा सदमे में लग गया था। पबजी बैन होने वाला है तो समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँगा, अब कौन सी गेम खेलूँगा। पहले तो मैंने सोचा कि पबजी का कोरियन वर्जन है, लेकिन बाद में पता चला कि अब कोरियन वर्जन भी नहीं चलेगा, सर्वर बंद कर दिए जाएंगे इंडिया के लिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि अब कौन सा गेम हम लोग खेले, कौन सा गेम आप लोग देखना पसंद कर सकते हो। फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, जो भी आप लोग को अच्छा लगता है। डॉक्टर ड्राइविंग मत बोल देना, तुम लोग मजाक में आके उठ के कुछ भी बोल देते हो। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं एंशिएंट टेम्पल पे, थोड़ा सा गेम प्ले पुराना है और डाल भी नहीं रहे थे क्योंकि वाईफाई चले गया था, वाईफाई सस्ता है। तो यहाँ पे हम लोग एंशिएंट टेम्पल पे आए हैं, शॉटगन से अभी एक बंदे को ठिलाए हैं। अभी मुझे AKM मिल गई है और अभी देखो पूरे प्रहार चलेगी। अब मुझे प्रहार का मतलब नहीं पता, लेकिन हिंदी में सुना था तो बहुत तगड़ा वर्ड लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना चिपका दिया जाए। तो आसपास से बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे, तभी एक बंदा मुझे उधर दिखता है। लेकिन पहले मैं सोचता हूँ कि अपनी शॉटगन रिलोड कर लूँ, और तभी नीचे से फुटस्टेप्स आते हैं। तो उस भाई ने उसको नॉक किया, मैंने उस भाई को नॉक कर दिया और मैं अकेला दोनों की किल ले लूंगा। किल चोरी करने में मैंने PhD किया है। नीचे से तो इन भाई की भी पेटी बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लूटेंगे क्योंकि यार एमो वो घट गई थी। और यहाँ से मुझे फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो मैं अपने भाई को बोलता हूँ कि भाई देखो यहाँ से फुटस्टेप्स आ रहे हैं, कुछ करो। तो भाई हमारे बोलते हैं कि कुछ मत करो, सिर्फ देखते रहो, मज़ा लो। लेकिन फुटस्टेप्स वहाँ से नहीं आ रहे, फुटस्टेप्स आ रहे थे अंदर से, कोई पहले ही अंदर घुस गया टेम्पल के और ग्लिच करके, और फिर मम्मी को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो हम लोग बदला उन लोग से ज़रूर लेंगे और उन्हें भी मारेंगे और मम्मी को भी मारेंगे। और ये भाई जब आए हैं तो ये भाई जाएंगे भी, भाई आए भी, भाई जाए भी, कोई चाप नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि अंदर से अब बहुत ज़्यादा ही फुटस्टेप्स आने लगे थे। लेकिन फुटस्टेप्स के नाम पे सिर्फ एक ही बंदा पड़ा हुआ था, पता नहीं इतने फुटस्टेप्स किधर से आ रहे थे। तो ये हमारे भाई यहाँ पे UMP 4-5 चला रहे। अब भाई पूरे जोश में थे, सोचे कि पहले इनको मारेंगे फिर ग्रोजा और ऑन लेकर के हमारी पेटी पर। लेकिन भाई देखो हलवा थोड़ी ना है, तुम घुस सकते हो, हम लोग भी घुस सकते हैं। तो हम लोग उस भाई को मार के और मम्मी का काम 36 करके नीचे आते हैं बगी की तलाश में, और बगी हमें दिखती भी है। और तभी हमारे ऊपर एक बंदा सेलमोन भाई बनने की कोशिश कर रहा था। तो अभी हम लोग सामने जा रहे हैं, मुझे गाड़ी दिखी है लेकिन पीछे से बगी आती है। अब भाई कथी सेलमोन भाई बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हलवा थोड़ी ना है, उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है। पहले फुटपाथ पे गाड़ी चलाना सीखो, उसके बाद दूसरों के ऊपर चढ़ाओ। तो उस बंदे को मार के एक आध बॉट मार करके हम लोग इस साइड आ जाते हैं बंदों की तलाश में, और यहाँ पे बंदे दिखेंगे भी। तो अगर आप लोग को ये वाला 1v3 अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। और मैं तो सोचा कि एक दो बंदे होंगे, लेकिन कतई 3 बंदे कूद गए, तो कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे स्मोक करेंगे, भाई को रिवाइव करेंगे और इधर से सीधे निकल जाएंगे पोचिंगी की तरफ बंदों की तलाश में। और बंदे के पुस्तक भी आ चुके हैं, तो अब बंदे को अंदर घुस के पिला जाएगा। अब एक भाई हमारे भाई के ठीक पीछे पीछे लुक्का छिपकी खेल के जाता रहा था, लेकिन मैंने पीछे से धप्पा कर दिया उस भाई के साथ। तो मुझे अभी फुटस्टेप्स आ रहे थे, फिर नीचे से फुटस्टेप्स आने लगे। तो पता नहीं क्या हो रहा है, सब 1v3 हो रहे हैं, पता नहीं मैं कौन सी लॉबी में आ गया हूँ। मुझे लगता है अपडेट के बाद अब ट्रियो का भी स्क्वाड आने लगा है मैच। पहले स्क्वाड का आता था, सोलो का आता था, डुओ का आता है, ट्रियो का भी आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से हम लोग गाड़ी लेकर के ड्रॉप की तरफ आते हैं और मुझे एक बंदा दिखता है। और इसके साथ साथ इसकी पूरी टोली भी आएगी, तो मैं तो टोली देख करके फटी चाहता हूँ। बंदा लेते हैं, अगर गलती से किसी को हेड किसी ने मुझे हेड मार दिया
हिट दिया था, तो मैं अपने भाई को बोलता हूँ आओ गाड़ी में बैठते हैं। मैंने एक बंदे को बहुत लो कर दिया और हम लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जो रश वाला गेम देखने को मिलेगा नेक्स्ट लेवल का होगा। वॉच आउट। और यहीं अंदर पूरे चार के चार बंदे बैठे हैं। Watch out! अब हमारे यहाँ पे कोई भाई नॉक पड़े थे, दो भाई जिंदा थे और एक भाई को तो हमारे टीममेट ने छिला दिया। और तभी सामने से एक जिप्सी जा रही थी, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना थोड़ा एनर्जी ड्रिंक पीता हूँ, लेकिन भाई हमें ये लालच दे रहे थे, तो भाई को मैं थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, स्प्रे कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक पीता हूँ और तभी मुझे ये दिखता है। अब आप लोग सोचते हो कि किसी का नेड इतना सस्ता कैसे हो सकता है, कैसे कोई इतना सस्ता नेड मार सकता है। लेकिन यार देखो, गर्मी का टाइम है, माहौल बहुत पसीजा पसीजा है, माहौल और हाथ दोनों एकदम बेकार हो रखे हैं, तो हाथ बहुत पसीज रहा था तो स्क्रीन ढंग से काम कर नहीं रही थी। और सामने वो बंदे पहाड़ी पर बैठ गए, तो मैं निकालता हूँ अपनी AWM। अब इन भाई को नॉक करने के बाद हम अपने टीममेट को बोलते हैं कि फटाफट गाड़ी निकालो और चलो यहाँ से, मैं रस्ते ही में हिल वोल कुछ नहीं करूँगा, सीधा जाऊँगा पेटी बनाऊँगा, क्योंकि जोश यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैंडेज लपेट लेता हूँ, क्योंकि यार वो सब तो जोश जोश बोलने की बात है, पेटी बन जाएगी तो बन गया गेंदे। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और हमारे भाई भी अच्छी ड्राइविंग करने सीख गए हैं, भाई को हमने सिखा दिया ड्राइविंग करना, कोई टेंशन की बात नहीं। और इन भाई का स्प्रे बहुत ही सस्ता था, कोई परेशानी नहीं है, तो यहाँ पे एक और बंदे मर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूटूंगा, क्योंकि यार लूट बहुत ही ज़रूरी होती है, और ऐसे भी मैं लालची और ढीठ हूँ तो लूटना तो ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ लूटना नहीं चाहिए, अंदर जा कर के लूटता हूँ। वहाँ पे दो स्क्वाड लड़े भी बैठे थे, वहाँ पे काफ़ी सारा माल मिल गया, लेकिन माल के नाम पे कद्दू कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक लूटकेट मिलती है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, बालकनी के पास जाऊँगा और थोड़ा सा पहले हीलिंग करता हूँ, पता नहीं कौन क्या रश कर दे। तो मैं वहाँ से यहाँ आगे आता हूँ और यहाँ पे मुझे दिखता है ड्रॉप, तो मैं ड्रॉप के पास जाता हूँ। अब हम लोग अपने गेम में सेलमोन भाई वाला कोई सीन ना करें तो वो गेम प्ले नहीं बन सकता यार। देखो एक ना एक बार कुछ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन भाई की हमने चल के पेटी बना दी, ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग 4 साल की ट्रेनिंग। तो मैं यहाँ पे आगे आ जाता हूँ और आगे आ करके फिर यहाँ पे सोचता हूँ कि फिर यहीं पे जा करके हील करूँगा, पहले लूटूंगा, सब करूँगा, क्योंकि लालच नहीं बोला है, क्या बोलूँगा, लालच अच्छी होती है, कभी कभी लालच ज़्यादा ही अच्छी होती है। तो मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ, यहाँ पे लूटूंगा और आप लोग ज़रूर से बताऊँगा हम लोग क्या खेलेंगे। अब तो पबजी भी बैन होने वाला है, अब कौन सा गेम हम लोग खेलें। मैंने सोचा कि चलो कोरिया वर्जन तो रहेगा, कोरियन वर्जन खेल लेंगे, लेकिन यार सुनने में आया कि वो भी नहीं खेल पाएंगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं यार, जो गेम प्ले आप लोग बनाने बोलोगे वही गेम प्ले हम लोग बना के डालेंगे। बस आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता देना कि क्या खेलूँ, क्वाड मोबाइल खेलूँ या फ्री फायर खेलूँ या क्या खेलूँ, बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। तभी मुझे एक बंदा यहीं झाड़ियों में सांप बना रहा है, मैं यहाँ 23-24 खून करके बंदे की टोटी बना करके वॉच आउट।
अब यार मेरी यहाँ पे गलती ये रहती है कि हमारे भाई ठीक मुझे अच्छा खासा रिवाइव दे रहे थे, लेकिन मैंने भाई को बोला कि भाई जब दरवाज़ा बंद कर दो। भाई जैसे ही हमारे दरवाज़ा बंद करने गए तभी हमारे भाई को सांप ने डस लिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।